الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات معزز حاضرین محترم سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس نورانی روحانی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق بخشی. اس تقریب کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے. چند بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے تو ان کی سند دستار بندی کے سلسلے میں اس تقریب کا انعقاد ہوا ہے. قرآن کریم اللہ پاک کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ پاک یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے تو یہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے. یہ کلام بھی ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے. نماز میں ہم اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ. رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. سجدے میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے. تو اللہ پاک پاک ہے تو اللہ کا کلام بھی پاک ہے. اللہ پاک نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں ہے. پھر اسی پہ بس نہیں, اللہ پاک نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو رہتے دنیا تک چیلنج دیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اس کتاب میں شک نہیں ہے
और अगर तुम्हें शक हो तो फिर इस जैसी एक सूरत ले आओ, अकेले नहीं अपने सारे मददगारों को बुला लो, जमा कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इस जैसी एक सूरत ले आओ। फिर आगे फरमाया فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम हरगिज ला ही नहीं सकते। फिर अगर तुम न ला सको तो फिर उस आग से अपने आप को बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की सूरतों में से सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का मनहर इन नशानी अकहुअल अबतर, ये सूरत लिखवाई और बैतुल्ला पे अवेजा कर दी। ये गोया कि दुनिया को चैलेंज था कि इस जैसा कलाम बना कर लाओ, और वो लोग इस बात को समझते थे कि जो चीज यहां लगाई जाती है वो दुनिया को चैलेंज किया जाता है कि इसकी मिसल लाओ, इसकी नजीर लाओ। ये लोग फसीह बलीग थे, अरब थे, शायर थे, इन्होंने इसकी मिसल बनाना चाहा, सोचा, लेकिन न बना सके। इनका एक बूढ़ा उस्ताद पहाड़ों पे रहता था, ये उसके पास गए और उससे जाकर कहा कि बैतुल्ला पे कुछ लिखा हुआ है और उसका जवाब हमसे नहीं बन रहा। पहले तो उसने डांटा कि तुमने मुझसे तरबियत ली, सीखा और तुम उसका जवाब भी नहीं बना सके। इन्होंने कहा कि हमसे नहीं बना। उसने कहा कि मुझे वहां ले चलो। उसे लाया गया, वो कहता है कि मेरे सामने वो कलाम पढ़ना, फिर जब मेरा रंग सुर्ख हो जाए, मेरे ऊपर एक खास किस्म की कैफियत तारी हो जाए, मेरी जबान से जो अल्फाज निकले वो उसका जवाब होगा। तो कहा कि मुझे पढ़कर सुनाए। तो पढ़ने वाले ने पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन नशानी अकहुअल अबतर। वो कहने लगा फिर पढ़े। पढ़ने वाले ने फिर पढ़ा तो इसकी जबान से ये जुमला निकला मा हादा कौल अल बशर, कि ये इंसान का कलाम है ही नहीं। मतलब ये है कि मुकाबला तो होता है इंसान के कलाम का, ये इंसान का कलाम नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। कुरान सीखने पे कितना अजर मिलता है, कितना सवाब मिलता है। एक हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तू सुबह इस तरह कर कि कुरान करीम की एक आयत सीख ले। एक आयत का सीख लेना तेरे लिए 100 रकत नफल पढ़ने से बेहतर है। और फरमाया इल्म का एक बाब सीख ले, खा उस पर अमल हो या ना हो, एक इल्म का एक बाब सीख लेना तेरे लिए 1000 रकत नफल पढ़ने से बेहतर है। अब एक आयत सीखने का इतना अजर व सवाब कि 100 रकत से बेहतर। तो जिन बच्चों ने पूरा कुरान सीखा है उन्हें इसका कितना अजर व सवाब मिलेगा। तो कुरान करीम अल्लाह पाक की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये कुरान की जो मजलिसें हैं इनके अंदर एक बड़ी निस्बत है, बरकतें तो हैं ही हैं। आपने इससे पहले शायद ये निस्बत वाली बात नहीं सुनी होगी। ये जो कुरान की निस्बत से मजलिसों का इनेकाद होता है इसमें एक अजीब निस्बत है। मैं एक हदीस सुनाता हूं।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے، لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے، انہوں نے لوگوں کو قرآن کریم سنانا شروع کیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کو تعجب دلاؤں، کہ یعنی میں آپ کو ایسی بات سناؤں کہ جس سے آپ کو تعجب ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے ہیں اور وہ لوگوں کو قرآن کریم سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور مجھے تو ایسی جگہ پر بٹھا دے کہ ان میں سے کوئی مجھے نہ دیکھے اور میں انہیں دیکھتا رہوں؟ اس نے کہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اس نے آپ کو ایسی جگہ بٹھایا کہ ان میں سے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا، آپ انہیں دیکھ رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری کا قرآن لوگ بھی سن رہے تھے، اللہ کے نبی بھی سن رہے تھے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری سے آپ نے قرآن سن لیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں داؤد علیہ السلام جیسی لحن عطا کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت دلکش سریلی آواز عطا کی تھی۔ کیسی سریلی آواز عطا کی تھی؟ انسان تو رہے انسان، ہوا میں اڑتے پرندے رک جاتے تھے، روایات میں یہ بات موجود ہے، جانور چلتے پھرتے یہ رک جاتے تھے، جانور تو جانور رہے، یہاں تک کہ قرآن میں موجود ہے کہ جب صبح شام وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرتے تھے، ساتھ ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، قرآن بتا رہا ہے۔ کیسی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی، تو اس کا کچھ حصہ اللہ پاک نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت مسجد میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے آ کر نماز نہیں شروع کی، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز نہیں شروع کی، حضرت عمر نے نماز نہیں شروع کی، بلکہ ابو موسیٰ کا قرآن سننا شروع کیا۔ قرآن سنتے رہے، پھر بعد میں فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں ایسی سریلی آواز عطا کی ہے جیسی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان مجلسوں کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، ایسی مجلسوں میں تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے شرکت کی ہے، تو ہماری یہ سعادت مندی ہے، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا کی۔ اس میں ہم سب اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ زمانہ تجارت کے عروج کا ہے، موجودہ زمانے میں تجارت اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہی ہے، تجارت ہر زمانے میں رہی، کسی کی تجارت اپنی بستی تک، اپنے شہر تک، کسی کی دوسرے شہر تک، اور کسی کی دوسرے ملکوں تک، کسی کی چھوٹی تجارت، کسی کی درمیانی تجارت، کسی کی بڑی تجارت، جیسا بھی کوئی تاجر ہے اسے نقصان کا خسارے کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، نہ جانے کس وقت صورت بدل جائے، نقصان ہو جائے۔ لیکن ایک تجارت قرآن میں بیان کی گئی ہے، قرآن میں بیان کی گئی ہے،
वो ऐसी तिजारत है जो लोगों से नहीं अल्लाह से है। कुछ हजरात की तवज्जो नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी, तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आएगी, वगरना नहीं आ सकती। तो मैं बात कर रहा था कि एक तिजारत कुरान में अल्लाह पाक ने बयान की है, और वो तिजारत लोगों से नहीं अल्लाह से, और वो ऐसी तिजारत है कि उसमें कोई नुकसान नहीं, उसमें कोई खिसारा नहीं। वो तिजारत क्या है? नंबर एक, अल्लाह की किताब की तिलावत। नंबर दो, नमाज का अदा करना। नंबर तीन, अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। ये तीन काम है, अल्लाह की किताब की तिलावत, नमाज का अदा करना, और अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाह व अकामुस्सलाह व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ्फियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फज़ली। जो अल्लाह पाक से तिजारत करेगा, इस तिजारत में कोई नुकसान है नहीं है, कोई खिसारा नहीं है। लियुवफ्फियहुम उजूरहुम, अल्लाह पाक उसका पूरा पूरा बदला अता फरमाएंगे। व यज़ीदहुम मिन फज़ली, सिर्फ पूरा पूरा बदला नहीं, अपने फजल से ज्यादा अता करेंगे। किसी को 10 गुना अता करेंगे, किसी को 70 गुना अता करेंगे, किसी को 700 गुना अता करेंगे, किसी को 700 गुना से भी ज्यादा अता करेंगे। और फिर साथ साथ ये भी बताया कि अगर कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो अल्लाह पाक बख्शने वाले हैं, माफी कर देंगे। तुम अल्लाह से तिजारत करके तो देखो, अल्लाह पाक बड़े मेहरबान हैं। तो पहली चीज क्या है? अल्लाह की किताब की तिलावत। अल्लाह की किताब की तिलावत करेंगे तो इसमें हमें अल्लाह पाक क्या देंगे? आखिर बदला देना है ना। नंबर एक, अल्लाह पाक हमें एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां देंगे। कितनी नेकियां देंगे? 10 नेकियां देंगे। कुरान करीम के कितने हरूफ हैं? उलमा ने लिखा है कि 3,20,000 कमो बेश हरूफ हैं। आप 3,20,000 को 10 से ज़रब दें तो ये 32,00,000 से ज्यादा बनती है। एक आदमी पूरा कुरान करीम पढ़े तो 32,00,000 से ज्यादा नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाएंगी, कम अज कम, कि जिसे 10 गुना बदला दे। बाज़ वो हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक 70 गुना बदला देंगे, बाज़ वो हैं जिन्हें 700 गुना बदला देंगे। ये तो बदले की बात है। लियुवफ्फियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फज़ली। फिर ये बदला लेने के लिए उम्मत में कैसे कैसे लोग हुए हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला हर रात पूरा कुरान करीम नमाज में पढ़ा करते थे। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमहुल्लाह ताला, सब कहते हैं रहमहुल्लाह ताला, ये इराक से चले हैं, हिंदुस्तान आए हैं, पैदल चलकर आए हैं। अल्लाह पाक ने इनके अंदर ऐसी खूबी रखी थी कि काफिर लोग इनका चेहरा देखते थे मुसलमान हो जाते थे। ये दिल्ली से अजमेर तक पैदल चलकर गए हैं, ये कोई ज्यादा सफर नहीं है। तारीख में लिखा है कि दिल्ली से अजमेर तक पहुंचे हैं 90,00,000 लोग मुसलमान हुए। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह ताला बुढ़ापे में भी रोजाना एक कुरान पाक पढ़ा करते थे। क्यों पढ़ते थे? इसलिए कि अल्लाह से तिजारत। इनके खलीफा हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह ताला, ये दिल्ली में थे। हज़रत चिश्ती रहमहुल्लाह ने चाहा कि ये मेरे साथ अजमेर चलें। दिल्ली के लोगों को जब पता चला कि मुख्तार काकी साहब भी जाना चाहते हैं तो वो लोग जमा हो गए, रोने लग गए, पांव पड़ गए।
तो जब चिश्ती साहब ने ये देखा तो कहा कि आप यहीं रहकर काम करें। उन्होंने हजरत के फैज को यहां रहकर फैलाया। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो कितना कुरान पढ़ा करते थे। तारीख में है कि वो रोजाना 2 कुरान खत्म किया करते थे। दूसरे मुरीदों की इसलाह भी करते थे, उन्हें दीन भी समझाते थे, सिखाते थे भी थे, और इसके साथ साथ कुरान की तिलावत भी इतनी करते थे। अब थोड़ा सा सिलसिला आगे चलता है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के खलीफा मुजाज बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला, ये बाबा फरीद शकरगंज 7 किरातों के कारी थे। जब कोई इनकी खिदमत में हाजिर होता तो उसे फरमाते कि पहले कुरान पढ़ना सीखो, बाकी चीजों की इसलाह फिर बात भी है, पहले कुरान की इसलाह कर। चुनाचे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुए अपनी इसलाह के लिए, बैत होने के लिए। तो हजरत ने फरमाया कि मैं आपकी इसलाह तो करूंगा, लेकिन पहले आप अपना कुरान सही पढ़ना सीखिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदीन में से हैं अमीर खिसरो रहमतुल्लाह ताला। अमीर खिसरो दरबारी शायर थे, बादशाह की तारीख में अशार पढ़ा करते थे, कसीदे पढ़ा करते थे, इनाम दिया करते थे। जब निजामुद्दीन औलिया से इनका ताल्लुक हुआ तो फिर क्या हुआ, इन्होंने ये अशार कहना छोड़ दिए। फिर रोजाना कुरान करीम के 7 पारे तिलावत किया करते थे। तो हमारे बुजुर्गों का ये जज्बा है। अच्छा, ये तो मैंने बहुत पीछे की बातें कह दी। करीब जमाने में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ताला ने अपने ख़ानदान में से गालिबन हज़रत इनामुल हसन साहब की तरफ लिखा कि हमने बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़े हैं कि वो रमज़ान मुबारक में 61 कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे। मेरी चाहत है कि मेरे ख़ानदान में भी कोई एक आदमी ऐसा हो जो 61 कुरान करीम एक महीने में पढ़ ले। तो इनामुल हसन शाह साहब ने रमज़ान मुबारक में 61 कुरान करीम पढ़े, और फिर आपने उन हजरत को इतला की कि मैंने जो है 61 कुरान करीम पढ़ लिए। मेरे इल्म में ऐसे लोग हैं जो रमज़ान मुबारक में रोजाना एक कुरान पाक खत्म करते हैं। ये किससे तिजारत है? अल्लाह पाक से तिजारत है। अगर हमने इससे पहले कुरान करीम की तिलावत का मामूल नहीं बनाया तो अब बना लेना चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा कर ले, कुछ ना कुछ कर ले। आप सूरह इखलास एक बार पढ़ेंगे तो तिहाई कुरान का सवाब मिलेगा, 3 बार पढ़ लेंगे तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप लोग कम अज कम 100 बार सूरह इखलास पढ़कर अपनी वालदा को इसाले सवाब कर दिया करें। हाँ जी, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि 33 कुरान का सवाब उसे पहुंच जाया करेगा। तो बात चल रही थी कि कुरान करीम पढ़ने पे अल्लाह पाक क्या अता करते हैं। एक हर पढ़ने पे कम अज कम 10 नेकियां अता करते हैं। और क्या अता करते हैं? अल्लाह पाक शिफा अता करते हैं। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने कुरान को शिफा बनाकर उतारा है। बीमारियां 2 तरह की हैं, जहरी बीमारी भी होती है, बातनी बीमारी भी होती है। जहरी और बातनी बीमारियों में बड़ा फर्क है। जहरी बीमारी मांगना नहीं चाहिए, अगर आ जाए आदमी सब्र करे इस पर अजर मिलता है। यहां तक हदीस में है, अगर किसी को बुखार हो जाए तो ऐसा है जैसे किसी धात को आग में डालकर मैल कुचैल से साफ कर दिया जाता है, अल्लाह पाक इस आदमी को बुखार की वजह से गुनाहों से इस तरह साफ कर देते हैं। ये जहरी बीमारी है। और दूसरी बातनी बीमारी है। बातनी बीमारी पर सवाब नहीं है। बातनी बीमारी जहरी बीमारी से ज्यादा पुरखतर है। बातनी बीमारियों में से तकब्बुर है। अब अगर किसी के सीने में तकब्बुर हो, क्या उसे सवाब मिलेगा?
हदीस में तो यह है कि जिसके दिल में राय बराबर भी तकबर हुआ जन्नत में नहीं जाएगा। बातनी अमराज में से रियाकारी है, दिखलावा है। अगर रियाकारी सीने में ले फिरता है क्या इसे सवाब मिलेगा? बातनी अमराज में से हसद है। हसद के बारे में हदीस में आया है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। तो फिर जहरी अमराज के लिए भी शिफा, बातनी अमराज के लिए भी शिफा क्या है? कुरान करीम है। कुरान करीम पढ़ने से अल्लाह पाक शिफा अता करते हैं। लंबा वाक्या है, मैं उसे समेट कर अर्ज करता हूं कि एक बच्ची हिंदू की बेटी, एक मौलवी साहब के घर में उसका आना जाना था। मौलवी साहब की अहलिया से उसे ताल्लुक था, तो आने जाने की निस्बत से बच्ची मुसलमान हो गई। उसने मौलवी साहब की अहलिया से कुरान भी पढ़ लिया, लेकिन माहौल ऐसा था कि अपने ईमान का इजहार न कर सकी। नतीजा ये निकला कि एक हिंदू के साथ उसकी शादी भी हो गई। फिर वो शौहर बीमार हुआ और शदीद बीमार हुआ, यहां तक कि उसका भाई डॉक्टर था और उसने कह दिया कि अब आपके बचने की उम्मीद नहीं है। इस मौके पे बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज करती हूं, अगर तुम्हें सेहत हो जाए तो मेरी बात मान लोगे। उसने कहा कि इससे बढ़कर और क्या चीज है कि आदमी को सेहत मिल जाए। तो उस खातून ने रोजाना सूरह अलम नशरा पढ़कर उस पर दम करना शुरू किया। पहला हफ्ता दम किया तो उसकी इतनी तबीयत बेहतर हो गई कि घर में चलने फिरने लगा। दूसरा हफ्ता आया, इतनी सेहत बेहतर हो गई कि मोहल्ले में चलना फिरना उसने शुरू किया। तीसरा हफ्ता आया तो उसने इससे भी बाहर आना जाना शुरू किया। चौथे हफ्ते में कारोबार के लिए बैठ गया। अब उस खातून ने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था, वो वादा पूरा करो। तो उसने पूछा क्या? तो लड़की ने बताया कि मैं मुसलमान हूं, तो भी मुसलमान हो जा। एक मरतबा तो वो हिल गया, लेकिन फिर वो क्या कहता है कि मैंने तो इससे वादा किया। उसने बताया कि मैंने जो तेरा इलाज किया है ये अल्लाह के कलाम से किया है। तो उसने कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हो गया। हाँ जी, तो मानो नज़िलो मिनल कुरआनी मा हुआ शिफा। उस बीमार को जहरी बीमारी से भी शिफा मिल गई, बातनी बीमारी से भी शिफा मिल गई, कुफर से शिर्क से भी शिफा मिल गई। अल्लाह पाक ने कुरान को क्या किया है? शिफा बनाया है। और कुरान पे अल्लाह पाक क्या अता करते हैं जरा सुनिए। अल्लाह पाक जिसने कुरान पढ़ा, कुरान पे अमल किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम समझा, क़यामत के रोज अल्लाह पाक इसे ये एजाज बख्शेंगे कि ये अपने खानदान के 10 आदमी जो जहन्नम के हकदार होंगे सिफारिश करेगा, अल्लाह पाक इसकी सिफारिश कबूल करेंगे और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। अब सोचने की बात है, क्या ये ऐरा वगैरह की सिफारिश करेगा? क्या ये दत्तू खत्तू की सिफारिश करेगा? अरबी का जाब्ता है अल अकरब फल अकरब, सबसे पहले करीबी। तो सबसे पहले इसका करीबी बाप है। अगर वहां जरूरत पेश आई बाप के लिए तो ये बेटा बाप की सिफारिश करेगा, अगर जरूरत पेश आई माँ के लिए तो ये सिफारिश माँ की करेगा, दादा की करेगा, चाचा की करेगा, दूसरे रिश्तेदारों की करेगा। जनाब पहले नंबर पर तो कोशिश करें खुद हिफज करें, अगर खुद नहीं कर सके तो फिर अपने में से किसी को अपना सिफारिशी तो बनाए। कुरान करीम पढ़ने पे बहुत कुछ मिलता है। एक खातून ने अपना बच्चा मदरसे में दाखिल कराया और साथ साथ ये कहा कि मैं एक अफसर की बीवी हूं, मैं ये नहीं चाहती कि कल जब मेरा जनाजा उठे तो लोग ये कहें कि फला अफसर की बीवी का जनाजा जा रहा है। मैं ये चाहती हूं कि कल जब मेरा जनाजा उठे तो लोग ये कहें कि फला हाफिज कुरान की अम्मी का जनाजा जा रहा है। एक आदमी मुगीरा इब्न हबीब रहमहुल्लाह ताला रोजाना कब्रिस्तान जाते और एक कब्र से इन्हें खुशबू महसूस होती। इन्हें उस पर ताज्जुब हुआ कि यह खुशबू किस वजह से है, कैसे है। तो
एक रात ख्वाब में सहबे कबर से मुलाकात हो गई। सहबे कबर ने बताया कि ये खुशबू रोजों की प्यास की और कुरान की तिलावत की है। ये खुशबू किसकी है? रोजों की प्यास की और कुरान करीम की तिलावत की है। कुरान पढ़ा करें, हमने भी कबर में जाना है। कुरान पाक पढ़ने की बरकत से हमारी कबर रोशन होगी, हमारी कबर कुशादा होगी, हमारी कबर क्या है, खुशबू से भरेगी। तो तिलावत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह बात बराए बात नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी इशा के बाद अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ता है, सूरह मुल्क पढ़ता है, उसे कबर का अजाब नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए ना, होना चाहिए। अब मैं एक वाकया सुनाकर बात समेटता हूं। ये वाकया मैंने शाह साहब के गांव में भी सुनाया। दमिश्क में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है दहदह। आले इलाका के लिए जितना दमिश्क मारूफ व मशहूर है, वो कब्रिस्तान भी उतना ही मारूफ व मशहूर है। उस कब्रिस्तान में ज्यादा उलमा सुलहा शुहदा की कब्रें हैं। तो ये वाकया बयान करने वाला हिशाम बुरहानी है और इसने अपने दादा साद बुरहानी के जमाने का वाकया बयान किया है। वाकया ये है कि एक आदमी कब्रें बनाया करता था, कब्रें खोदा करता था। उसका नाम अब्दुर्रहमान हफ्फार था। हफ्फार का माना खोदने वाला, बहुत ज्यादा कब्रें खोदने वाला। तो हिशाम बुरहानी बयान करते हैं कि एक खातून अब्दुर्रहमान के पास गई जो कब्रें बनाया करता था। उसे जाकर पैसे दिए, कब्र की उजरत दी कि एक कब्र बना दे। उसने उजरत ले ली, कब्र बना दी। कुछ देर के बाद लोग एक मैयत लेकर आए जिसके साथ लोग ज्यादा नहीं थे। उस मैयत को कब्र में उतारने के लिए लोगों ने इसी अब्दुर्रहमान से कहा कि आप उतार दें। इसने मैयत को कब्र में उतारा तो जैसे कब्र में मैयत को रखा बेहोश हो गया। लोगों ने पानी के छींटे डाले, होश आ गया। किसी ने गरीब से नहीं पूछा कि तू बेहोश क्यों हुआ। कब्र तैयार हो गई। कुछ महीने गुजरे, फिर वही खातून उसी आदमी के पास आई और आकर कहा कि ये उजरत लेने एक कब्र बना दे। उसने फिर कब्र तैयार कर दी। फिर एक मैयत को लाया गया और इसे कहा गया कि इसे कब्र में उतारो। इसने उस मैयत को कब्र में उतारा, इस पर तो बेहोश नहीं हुआ। कब्र बंद करने के बाद लोग जब जाने लगे तो इसने औरत का पता पूछा और ये उस औरत के पास पहुंचा। उससे जाकर पूछा कि ये जो दो आदमी दफन किए गए हैं ये कौन थे। उस खातून ने कहा कि तू क्यों पूछता है। इसने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी है, मैं इसलिए पूछने आया हूं। खातून ने कहा क्या देखा। इसने कहा कि जब मैंने पहली मैयत कब्र में रखी तो कब्र जो है वह जन्नत का बाग बन गई। मैं उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका, बेहोश हो गया। जब मैंने दूसरी मैयत को कब्र में रखा तो मैंने चूंकि ये मंजर पहले देखा हुआ था, कब्र इस बार भी जन्नत का बाग बन गई लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। अब मैं पूछने आया हूं कि ये कौन लोग थे। तो उस औरत ने बताया कि ये दोनों मेरे बेटे थे। पहला मेरा बेटा जो है वो इल्मे दीन हासिल कर रहा था, दौरान तालीम उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया और दफनाने वाले को दिखा भी दिया। और दूसरा मेरा बेटा था जो मेहनत मजदूरी करके उसकी कफालत करता था, उसे भी अल्लाह ने मौत दे दी। अब जरा देखिए, जो इल्मे दीन हासिल कर रहा था अल्लाह पाक ने उसी कब्र को भी जन्नत का बाग बना दिया, और जो इल्मे दीन हासिल करने वाले की कफालत कर रहा था उसकी कब्र को भी अल्लाह पाक ने जन्नत का बाग बना दिया। अल्लाह है ना। तो उसने अब्दुर्रहमान हफ्फार, उस वक्त उसकी उम्र 40 साल थी,
ये साद हिशाम के पास पहुंचा, साद अल बुरहानी के पास पहुंचा। ये वहां की दमिश्क की जामिया मस्जिद के खतीब थे, आलिम थे, उस्ताद थे। इनसे जाकर दरख्वास्त की कि मुझे इल्म दीन पढ़ाओ। वो कहने लगे कि इस उम्र में तुझे कौन पढ़ाएगा, इस उम्र में तुझे कौन पढ़ाएगा। तो इसने कहा कि मुझसे पहले पूरी बात सुन ले। इन्होंने सारा वाकया सुनाया तो साद बुरहानी कहते हैं कि हम आपको इल्म दीन पढ़ाएंगे। चुनाचे उन्होंने इसे इल्म दीन पढ़ाया तो फिर ये पहले अब्दुर्रहमान हफ्फार कहलाते थे, फिर इनका नाम पड़ा शेख अब्दुर्रहमान। और इसके खानदान के कई लोग आलिम बने और इसके खानदान के कई आलिम अब भी दमिश्क में मौजूद हैं। वरना हमने भी है। पहली बात तो यह है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर नहीं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उन्हें कदर की नजर से देखें, अजमत की नजर से देखें, एहतराम की नजर से देखें, प्यार की नजर से देखें। हमारा आज इनसे प्यार किया हुआ कल हमारे काम आएगा। मैंने कहा तो था कि एक वाकया, अगर इजाजत हो तो एक वाकया और सुना दो। हिंदुस्तान में एक मौलाना हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सियासी किसी को इख्तलाफ हो सो हो, लेकिन बहुत बड़े आलिम दीन थे। पाकिस्तान बनने से पहले अफगानिस्तान में एक अफगानी ने सुना कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कुरान करीम की तफसीर पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहिए और कुरान करीम की तफसीर उनसे पढ़ना चाहिए। अब इसके पास सफर खर्च नहीं था, ये अफगानिस्तान से पैदल चला, हिंदुस्तान पहुंचा, मौलाना के शहर में पहुंचा। और मौलाना का दौरा तफसीर खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। मौलाना से मिला और मौलाना से कहा मैं तो दौरा तफसीर करने आया हूं। मौलाना ने कहा कि अब आपको दौरा तफसीर कौन कराएगा, अब तो इस ये पूरा हो रहा है। इसने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अफगानिस्तान में था, मुझे पता चला कि आप कुरान पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं। मैं शौक से चल पड़ा, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास किराया था, ना मेरे पास कोई और आने का इंतजाम था, मैं तो पैदल सफर करके आपके पास पहुंच गया हूं, अब आपकी मर्जी। मौलाना ने कहा कि ये जो क्लास चल रही है ये फारिग हो जाए, ये चले जाए, इसके बाद मैं तुझे कुरान करीम पढ़ाऊंगा। चुनाचे मौलाना ने अकेले को कुरान करीम पढ़ाया। जब दौरा तफसीर पूरा हो गया तो मौलाना ने उसे किराए का इंतजाम भी करके दिया, कपड़े भी बना कर दिए, और फिर अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने अकेले को तेरी रिजा के लिए पढ़ाया है, ऐ अल्लाह मेरा और कोई अमल तेरे यहां कबूल है या नहीं, मेरा ये अमल कबूल कर ले। तो बात यह है कि तलब वाले तो बड़ी मेहनत के साथ, शौक के साथ, रगबत के साथ इतने सफर करके, पैदल सफर करके कुरान सीखने गए। अब तो हमारे लिए ऐसे मुजाहदात नहीं है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद मौजूद है, मदरसा मौजूद है। आदमी सीखना चाहे तो एक एक हर्फ भी सीखना लगे तो न जाने कितना वो सीख सकता है। हाँ जी, कोशिश करें कि पहले चंद सूरतें याद कर लें, सूरह मुल्क याद कर लें, अलिफ लाम मीम सजदा याद कर लें और सूरतें याद कर लें, फिर अल्लाह पाक इस नस्बत से बहुत कुछ अता कर देंगे। जो कुछ कहा गया दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। वआखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين